वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोज रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चैनल पर नहीं हो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेट्स मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। अभी तक अगर फॉलो नहीं किया इंस्टा पे जल्दी से जाके फॉलो कर लो, लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आते हैं इंट्रो पे, मेरा नाम वजाहत है, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी मस्त होने लगी है। तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही है, मतलब राजनाथ सिंह की मीटिंग हुई है रशिया में चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से। हाँ, मतलब रशिया में जो गए थे इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उनकी उधर मीटिंग हुई है, जो मतलब चाइना का डिफेंस मिनिस्टर भी उधर था। तो SCO की कोई मीटिंग है ना वजाहत, शंघाई कोऑपरेशन की? मे भी वो काफी याद है राजनाथ सिंह से, उन्होंने खुद वो ऑफर करी कि हम आपसे बात करना चाहते हो, जब सब कुछ कैप्चर की है तो। हाँ, मतलब उन्होंने बात करने के लिए मे भी बुलाया हो। तो देखते हैं यार इनकी मतलब क्या बात हुई है। तो इंडी प्लस न्यूज का वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन में, लाजमी आपने इनका चैनल सब्सक्राइब करना है। तो काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है रूस से। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के रक्षा मंत्री रूस के SCO मीटिंग के दौरे पर हैं, और इसी के साथ ही से यहां पर भारत के रक्षा मंत्री रूस के रक्षा मंत्री के कहने पर आज चीन के रक्षा मंत्री से भी मिले हैं। और इसी मीटिंग के चलते जो एक विजुअल्स हैं, विजुअल सामने आए हैं, और ये विजुअल साफ दिखाते हैं कि क्या कितनी गर्म जोशी से ये बातचीत दोनों ही डिफेंस मिनिस्टर के बीच में हुई होगी, और इसी के साथ ही क्या क्या बातें हुई हैं आज सारी डिटेल भी सामने आई है, करेंगे इसके बारे में डिटेल से चर्चा। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इसी के साथ दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों ये जो विजुअल आप देख रहे हैं, और राजनाथ सिंह हाथ करके चीनी रक्षा मंत्री को जो इशारा कर रहे हैं, ये इसी ओर इशारा कर रहा है कि भारत के रक्षा मंत्री मानो चीन को कह रहे हैं कि आप ये गलती मत कीजिए जो भारत को आप समझ रहे हैं कि 1962 का भारत है। हाथ करके राजनाथ सिंह चीन के रक्षा मंत्री को यही चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप पीछे नहीं हटते हैं तो आपका हम ऐसा हशर करेंगे कि आपकी कुलें भी सोचेंगी कि उन्होंने भारत से पंगा लेकर अपना बहुत बड़ा इलाका भारत के हाथों खो दिया है। और दोस्तों ये सीधी सीधी चेतावनी देते हुए राजनाथ सिंह इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इस मीटिंग में क्या क्या बातें हुई होंगी। भारत के रक्षा मंत्री चीन के रक्षा मंत्री से बहुत नाराज हैं। चीन ने जो LAC पर घटना की है उससे भारत बहुत नाराज है, और इसी के चलते भारत के रक्षा मंत्री ने चीन के रक्षा मंत्री को ही दोषी ठहराया है कि आपने जो इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ खड़ा किया है ये सिर्फ आपकी देन है। भारत के रक्षा मंत्री ने आज साफ साफ सीधे शब्दों में चीन के रक्षा मंत्री को कह दिया कि आपको पीछे हटना होगा अगर आप मतलब शांति चाहते हैं तो। और ये उंगली करके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यही दिखाना चाहते हैं कि अगर आप पीछे नहीं हटे तो हमारी सेना चीन के ऊपर तो चढ़ाई करेगी ही, अक्साई चीन का भी हिस्सा अपना वापस लेगी। और जाहिर सी बात है कि चीन अगर पीछे नहीं हटता है तो यहाँ तो भारत की सेना उसका बुरा हाल करेगी ही, पूरी दुनिया में भी उसका बुरा हाल होना बिल्कुल तय है। चीन को अंदाजा भी नहीं होगा कि आज भारत किस स्तर की तैयारियां करके बैठा है। भारत के ऑफिशियल्स आज कोई भी जानकारी मीडिया में इसलिए लीक नहीं कर रहे हैं ताकि जो चीन है चीन को संदेश ना जाए। और दोस्तों ये चीन के मीडिया, ये चीन के पिट्ठू जो आज भारत के मीडिया की कवरेज को देखकर ये अंदाजा लगा रहे हैं कि भारत की सेना क्या कर रही है, भारत की सरकार क्या कर रही है, तो वो उस बात के ऊपर सिर्फ 1% भी नहीं जा पा रहे हैं जहां पर भारत की सरकार और सेना सोच रही है। भारत की सेना और सरकार जो सोच रही है वो बातें मीडिया में आनी भी नहीं चाहिए और हम बताएंगे भी नहीं। इसी के साथ इस मीटिंग में यही बातें हुई, चाइना के डिफेंस मिनिस्टर को साफ साफ स्पष्ट शब्दों में वार्निंग दे दी गई, और इसी के साथ ही जो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने भी कह दिया कि हम पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि ये जो एक तल्खी भरी एक ये मीटिंग हुई है इसमें कोई भी फैसला नहीं निकला है। कहना गलत नहीं होगा कि रूस के रक्षा मंत्री ने भी भारत के रक्षा मंत्री को जो आज इज्जत दी है वो इज्जत आज चीन के रक्षा मंत्री को नहीं मिली है, और ये इसी ओर इशारा कर रही हैं कि ये जो चीन के रक्षा मंत्री है इनकी आज इतनी हैसियत नहीं है कि भारत के रक्षा मंत्री के साथ ये बिल्कुल आमने सामने बैठ कर दो बातें भी कर सकें। दोस्तों इनका स्टैंडर्ड आज इतना गिर चुका है, चीनी कंपनियों चीन नाम ही आज इतना एक स्टैंडर्ड इसका इतना गिर चुका है कि लोग इसे शक
की निगाह से देखते हैं। और दोस्तों हमें आज चाहिए कि भारत अब पूरी तैयारी कर ले, क्योंकि अब जंग होना बिल्कुल तय है, क्योंकि इस मीटिंग में भी कोई फैसला नहीं निकला है। और राजनाथ सिंह के ये तेवर जो दिखाई दे रहे हैं, ये साफ इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि बॉर्डर पर अब घमासान बहुत जल्द होने वाला है। अगर चीन पीछे नहीं हटता है तो भारत की सेना जरूर चढ़ाई करेगी। हालांकि आज डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान दिया है कि हम मीडिएटर बनने को तैयार हैं, लेकिन हम मीडिएटर बनने के लिए आज अमेरिका को नहीं चुनने वाले। हमारा मीडिएटर बनेगा तो हमारी सेना बनेगी जो सीधा आर या पार का फैसला कर देगी। इसी के साथ ही अक्साई चीन तो एक छोटा सा टुकड़ा है, और इसी के साथ हम चीन के तिब्बत पर कंट्रोल करने जा रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। हालांकि दोस्तों आज हमारे सैनिकों में इतनी जान है कि चीन के जितने भी सैनिक आज तैनात किए हुए हैं, उन सैनिकों की बख्खियां उखेड़ने के लिए भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। और LAC का ये जो भारत के आर्मी चीफ है, उनका दौरा भी यही इशारा कर रहा है कि LAC पर अब भारत की सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। और राजनाथ सिंह ने आज चीन के रक्षा मंत्री को वार्निंग देके ये साफ कर दिया है कि अगर आप पीछे नहीं हटे तो हमारी सेना चीन पर चढ़ाई करने की रणनीति पर काम कर रही है। क्या बात है। ओ यार, तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म। तो यार मतलब सीधा यार मतलब क्या स्वैग यार, सीरियसली मतलब उंगलियां दिखा रहा है वो बंदा, इसी तरह बैठा हां यूं करके, वो जैसे वो चंपू नहीं होता, नहीं मतलब इस तरह से वो बैठा हुआ बंदा। और ये मतलब बिल्कुल ये देख हाथों से यूं कर रहा है। और तुझे मजे की बात बताऊं, फैसला नहीं निकला और इन्होंने सीधी धमकी दी है, कह रहे हैं अगर तुम लोग पीछे हटे तो हम लोगों ने तुम लोगों पे चढ़ाई कर देनी। फैसला नहीं निकला तो आने वाले साफ धमकी, मतलब इसके कॉन्सिक्वेंस होंगे अगर आप लोगों ने बात ना मानी तो। यार मतलब अब रूस को चाहिए, मतलब रशिया को चाहिए कि पीछे हो जाए तो अच्छी बात है, सही बात, क्योंकि नहीं रशिया तो अभी हेल्प कर रहा है ना इनका आपस में। मतलब ये शायद मेरे ख्याल में मीटिंग रशिया नहीं लिखवाई हाँ। रखवाई हो ताकि इनकी मतलब दोस्ती हो जाए, क्योंकि रशिया नहीं खोना चाहता किसी भी फ्रेंड को। बिल्कुल। और आज वही सीन चल रहा है भाई, रशिया मतलब कि रशिया दोनों फ्रेंड है ना, तो रशिया में रखी गई तो रशिया करार होगा ना, तो रशिया हाँ रशिया में। और इन्होंने फ्रेंड चाइनीज में फ्रेंड की थी, लेकिन ये कुछ निकला नहीं, ये समझिए क्यों नहीं चाइनीज की तरफ से निकला, जबकि मतलब कि इंडिया ने उनको बात मतलब सही से नहीं कर रहा था, मतलब सही धमकी वाला देजे से लग रहा था, पिक्स में दे के लग रहा था, किस तरह एग्रेसिव होके बोल रहा था वो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर जो था। तो यार काफी मतलब हालात खराब होते जा रहे हैं मेरे लिहाज से, और क्योंकि ये इतनी बड़ी मीटिंग नहीं, पहले तो जनरल्स वगैरह की होती थी, अभी फाइनली मिनिस्टर क्यों है वो भी कामयाब नहीं हुई। वही तो। और जिस तरह इंडिया कब्जा कर रहा है 5 पोजीशन, वो 30 पोजीशन पहला कब्जा कर रखा है, और वो एक उनके पॉइंट पे अलग कब्जा कर लिया। मैं तो आने वाले टाइम पे ना वो आधे चीन पे कब्जा करके बैठे हैं, वो जो एरिया है वहाँ पे। अब देख क्या होता है आगे, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, मतलब कोई वैलिड पॉइंट भी आया या मतलब सिर्फ सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, मतलब ये आप लोगों ने लाजमी कमेंट सेक्शन में, मतलब कोई और अच्छी बात भी हो जिसमें मतलब वही हो सकता है तो इसके बारे में आप लाजमी हमें बताना। तो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। नमस्ते एंड सत श्री अकाल।